भारतीय संगीत की अपनी एक अनूठी परंपरा रही है, फिर चाहे वो गायन की शैली हो या वादन की शैली हो। डीजाना न्यूज़ में आज विशेष के साथ हम एक मुलाकात हम करने जा रहे हैं, हमारे जाने माने संतूर वादक तानसेन सम्मान से नवाजे गए, पद्मश्री से कई सम्मानों को प्राप्त कर चुके पंडित सतीश व्यास जी, जो कि संतूर को लेकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और संगीत की साधना में लगे हुए हैं। सतीश जी, आपका डीजाना न्यूज़ के विशेष में बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी डीजाना टीवी के जितने दर्शक हैं उनको मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। सतीश जी, हमें जानना चाहेंगे कि जो आपके संगीत की जो यात्रा है, लगभग 6 दशक हो चुके हैं, ये यात्रा कैसे प्रारंभ हुई, इसके बारे में कुछ छोटा सा संक्षेप में बताएं। ऐसा है कि जैसे सब जानते भी हैं कि मैं बहुत बड़े गायक पद्मभूषण पंडित सी आर व्यास जी का लड़का हूँ, तो ये बात है 60s की, करीब 66 में मैं करीब 13-14 साल का था और गाना घर में था, लेकिन उसमें मेरी रुचि नहीं थी। सच में मैं तो खेल कूद में स्कूल जाना यही करता था। फिर एक ऐसा कुछ मौका आया कि मैं ऐसे प्लान नहीं किया था, लेकिन पिताजी के साथ एक बोलते ना एक्सीडेंटली, ऐसे मैं एक कॉन्सर्ट में चला गया। उस वक्त आज जैसे बड़े बड़े फेस्टिवल नहीं हुआ करते थे, बैठक कॉन्सर्ट ज़्यादा हुआ करते थे। तो हमारे घर के 2 किलोमीटर दूर पे एक वल्लभ संगीत विद्यालय, ये बहुत बड़ा अच्छा एक म्यूज़िक स्कूल था, अभी भी है वो। तो वहाँ पे वो महीने में 1 या 2 हमेशा बैठक कॉन्सर्ट करते थे। मैं तो पता नहीं, पिताजी ने कहा तुम चलो मेरे साथ, मैं अकेला था शायद बॉम्बे में, माँ और सब बाहर गए थे, बॉम्बे के बाहर मेरे दूसरे भाई लोग, तो मैं ऐसे ही चला गया उनके साथ। और जब पर्दा खुला तो देखा कि रंगमंच पे एक बहुत ही सुंदर व्यक्तिमत्व और ऐसे साज लेके पोजीशन बैठे हुए थे कि जो साज मैंने कभी देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था। तो बाद में अनाउंसमेंट हुई कि ऑब्वियसली संतूर के जो जनक हैं हमारे परम पूज्य गुरु जी पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा जी, वो बैठे हुए थे। उस वक्त उनका अनाउंसमेंट हुआ तो वो तो बहुत यंग थे, तभी मस्ट बी अराउंड 30, 29, 30, मैं 14 साल का था। तो मैं क्या कहूँ, वो जो 2 घंटे जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो अनुभव किया, उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। तो ऐसे दिल दिमाग पूरा छा गया वो संतूर शिवजी की पर्सनैलिटी और संतूर का जो नाद मधुर जो उनका बजाना था। तो मुझे बड़ा एक क्यूरियोसिटी हुआ कि ये साज बड़ा बहुत ही मधुर है, ये एक दिल को कुछ शांति देती, उस उम्र में मुझे लगा। तो मैंने फिर घर आने के बाद पिताजी को कहा कि भाई मुझे ये साज मुझे सीखना है। तो पिताजी ने कहा कि भाई पहली चीज़ तो अच्छी मुझे लग रही है कि तुमको संगीत में कुछ रुचि पैदा हुई है। फिर उन्होंने उस वक्त मैं 8वीं कक्षा में था शायद, तो जैसे उस ज़माने में टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में एक होता था कि लड़का स्कूल जाए, इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, या ग्रेजुएट होके गवर्नमेंट में नौकरी को लग जाए, ये साधारण सा एक नॉर्मल। तो पिताजी ने भी कहा देखो भाई तुम ज़रूर संगीत के लिए मैं ना नहीं कहूँगा, लेकिन पहले तुम ग्रेजुएट होना और ग्रेजुएट होने के बाद मैं फिर तुमको लेके जाऊँगा। अभी तुम्हारी उम्र भी नहीं है कि यहाँ से वहाँ बांद्रा जाना जहाँ पे सीखने के लिए और संतूर लेके बैठना, अभी थोड़ा छोटे उम्र में, लेकिन इन द मीन टाइम तुम गाना सीखना, गाना घर में ही है तो गाने का अगर बेस हो जाएगा तो तुमको कोई भी साज लेने में सीखने में दिक्कत नहीं आएगी। और बस, तो फिर मैं खेलना कूदना सब थोड़ा थोड़ा कम किया, फिर संडेस को गाना सीखता था। फिर हमारे पिताजी के पास बहुत सारे शागिर्द आते थे, तो वो शागिर्द को सिखाते वक्त हमारे कान पे बहुत संगीत, तो बोलते ना एक संस्कार जो होते हैं वो संस्कार उसी वक्त हो रहे थे। ऐसे 9-10 साल चले गए, तो
कुछ राग रागिनियाँ सीखी, फिर मैं 5-7 साल के बाद मैं उनके पीछे तानपुरी पे अकम्पनीमेंट करना लगा गाना गा के। और फिर जब मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस ख़त्म किया, मास्टर्स ऑफ साइंस का लास्ट पेपर जब दिया, तब मैंने घर आके पिताजी को कहा, देखिए अभी आपने तो ग्रेजुएट कहा था लेकिन मैं तो मास्टर्स डिग्री में भी अपेयर हुआ है, मेरी गारंटी है कि मैं फर्स्ट क्लास में पास हो जाऊँगा, ये मुझे मालूम है, तो अभी आप मुझे लेके चले। फिर वहाँ से फिर वो 2-3 महीना में शिवजी कहीं मिले, फिर उनसे बात हुई, फिर उन्होंने पंडित शिव कुमार शर्मा जी के पास लेके गए, फिर वहाँ से मेरा वो करीब 75-76, तो जब से मैंने देखा था उसके 9-10 साल के बाद मैंने संतूर सीखना शुरू किया, और फिर बस वहाँ से फिर सीखना। और आपने कहा है कि अक्सर वैसे भी माना जाता है कि जो माता पिता होते हैं वो बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं, एक बात जो एक टिप्स कही जा सकती है कि जैसा कि आपके पिताजी ने आपसे कहा कि गायन आप सीखो, ये आपको काम देगा, क्योंकि शास्त्रीय संगीत है बड़ी एक क्लिष्ट कला है लेकिन साधना से इसको हासिल किया जा सकता है, क्या वाकई आप मानते हैं कि जो भी हम शास्त्रीय संगीत का अगर अध्ययन कर रहे हैं या वादन में जाएं या गायन के क्षेत्र में जाएं, तो बेसिक में गायन का होना या राग रागिनियों की जानकारी बहुत एक गुरु मंत्र है? ये कोई भी कलाकार क्या होता है कि ये एक हमारे यहाँ ट्रेडिशन से ये गाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है शुरू से, वैदिक पीरियड से। साज वगैरह तो बाद में आते गए फिर चलते गए, तो क्या होता है कि कोई भी साज कोई भी हो, सितार हो, सरोद हो, वायलिन हो, संतूर हो, उसकी कंपैरिजन हमेशा वोकल म्यूजिक के साथ की जाती है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन आप गले से कर सकते हैं उस ज़रूरी नहीं कि वो हर साज में कर सकते हैं। तो गाना ये बहुत ही एक अहम चीज़ है, और गाने का जो स्टडी, इवन तबला प्लेयर को अगर गाना थोड़ा सा मालूम हो, गाना सीखे तो क्या स्वर ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो उसको मिल गया तो गाने का बैकग्राउंड एक फाउंडेशन होने से वो बहुत काम में आता है शास्त्रीय संगीत का। वो भी भले लाइट क्लासिकल सिंगर भी हो लेकिन अगर उसको शास्त्रीय संगीत का कुछ उसने अध्ययन किया हो तो ऐसे कलाकार को बहुत। अभी एक मिसाल तौर पे कहता हूँ, अभी हम षणमुखानंद में हमारा एक कुछ फेलिसिटेशन हुआ, तो जहाँ पे मैं था और हरिहरन, सोनू निगम और ऐसे सब फिल्म के भी लोग थे। अभी हरिहरन क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ है, तो उसको ऑर्गेनाइजर्स ने कहा आप कुछ 2 लाइन गा दीजिए, तो जैसे उसने जो गाया मैंने कहा ये उसका बेस फाउंडेशन इतना अच्छा है, और ये एक बार नहीं, मैं तो हरिया हम तो बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, बहुत बार सुना हुआ है, लेकिन उसके गाने में जो एक तासीर है वो अलग है, वो शास्त्रीय संगीत सीखने के शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है, तो वो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग वैसे ही है और इसीलिए वो इतने दिन टिके रहे हैं, ये है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गाना मालूम होना, जिसके वजह से सुर ज्ञान अच्छा होता है तो कोई भी साज करने के लिए सबसे बेस्ट रहता है। आपने जैसे एक लंबी बात बताई है कि जो गायन की शैली है वो वैदिक काल से हमको देखने को मिलती है और साज पर उसको उकेरना काफ़ी कठिन हो जाता है। 4 दशक से भी ज़्यादा वक्त आपको संगीत की साधना में हो चुका है, खुद एज ए आप संतूर प्लेयर की अगर हम बात करें तो, सर क्या बदलाव है उस दौर में और आज के दौर में आप किस रूप में पाते हैं एक साधक के तौर पर, एक संगीतज्ञ के तौर पर, और इस फील्ड में इतने वर्षों में बिताने के बाद कि क्या वो पीरियड आसान था या ये आसान है या वही बराबरी अभी भी बाकी है या क्या कमी आपको नज़र आती है? ऐसी है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं सच सच बात बताता हूँ कि कोई भी कलाकार जब यंग होता है तो बेफिक्र रहता है। एक इंग्लिश में कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो जब हम सीख रहे थे फिर जैसे गुरु ने आज्ञा दी कि नहीं अभी तुम पब्लिक में बजाओ, तो बजाना शुरू किया, तो उस वक्त जब बजाना शुरू किया कोई फिक्र नहीं, एक बार स्टेज पे बैठ गया तो बजा दिया, कोई ज़्यादा नहीं। लेकिन जैसे जैसे अभी साल गुजर गए, अभी ये उम्र पे पहुंच गए, एक अनुभव हो गया, अभी ऐसा लगता है कि यार हम तो सागर के किनारे में खाली खड़े हैं। अभी तक बहुत बार सोचता हूँ कि
हम खाली सुनने का काम करें, ये संगीत करने के चक्कर में, क्योंकि अभी जाके समझ में आया कि हमको क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। और अगर हम तराजू में, मुझे कितना मालूम है और कितना मालूम नहीं, अगर ये तराजू करे, तराजू में रखे, तो जो मालूम नहीं है वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता है अगर लाइफ, जैसे ये फिल्म को रिवाइंड करते हैं ना, वैसे अगर मैं अपना लाइफ रिवाइंड कर सकूंगा और फिर से अपने गुरु के पास जाके फिर से सीखना शुरू करूंगा, तो ये भगवान का एक बहुत बड़ा कुछ चमत्कार हो जाएगा। तो बहुत डर लगता है, आज डर लगता है, क्योंकि जब ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा मालूमात हो जाती है, जैसे मैं कोई एक आमतौर पे रागों का नाम लूँगा, मारवा जैसा राग मैं बहुत बजाता था बिंदास, आज मैं मारवा बजाता ही नहीं, बिकॉज उसमें जितनी गहराई मैंने गहराई से अनुभव, गहराई जब सोची, नहीं यार ये इतना जैसा जब उस वक्त सोचता था वैसे नहीं है, ये बहुत कठिन है। ऐसे कई राग है कि जो मैं बिंदास बजाता था, गए कुछ फिक्र नहीं, जैसे जैसे उसमें, क्योंकि ये शास्त्रीय संगीत की कमाल यही है कि हम सोचते मुझे राग आ गया, अरे मुझे ये राग आ गया, ऐसे हम मन में सोचते तो वो 10 माइल दूर गया होता है। तो अब जो युवा पीढ़ी आ रही है संगीत सीखने के लिए, जैसे आपने कहा कि मध्यम वर्ग का एक माहौल था और पिता की आज्ञा, मतलब कि पहले ये काम कर लो फिर हम ये कर देंगे, आज के बच्चे उस धारा के नहीं हैं, ना वैसे पिता हैं ना वैसे पुत्र हैं, आज का जो युवा है वो संगीत सीखने आता है, क्या उसमें भी आप वो लगन पाते हैं, या आपको लगता है कि हाँ वो हमसे बेहतर है, चीज़ों को अच्छे से समझता है, ये अंतर है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पॉपुलेशन के हिसाब से कम है यंगर लोग जो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नंबर काफ़ी ज़्यादा है, बहुत जगह लड़के लड़कियां सीख रही है। और मैं सच कहता हूं जो युवा पीढ़ी है बहुत हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्यों? क्योंकि उनको एक्सपोजर भी बहुत है। आज सोशल मीडिया देखिए, आप जैसे कुछ मेरे बारे में सब कुछ पढ़ के आए, अगर ये 20, 25, 30 साल पहले होता तो आपको मुझे मिलने के बगैर आपको कुछ भी पता नहीं चलता, हाँ, या अनलेस आपको कोई ऐसी व्यक्ति मिलेगी जो मुझे पर्सनली जानते हैं। अभी आप तो बिल्कुल 5 मिनट में गूगल सबसे बड़ा गुरु है। तो ये यंगस्टर्स लोग भी यूट्यूब ये वो करके, लेकिन शास्त्रीय संगीत ये गुरु से सीखने की कला है। कुछ साल तक, जिसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, आमने सामने बैठ के, क्योंकि हर राग का एक अपना एक नक्शा होता है, सुन के आप गा सकेंगे, लेकिन उसमें सही उसका जो उसका प्रेजेंटेशन का जो करना है वो गुरु ही बता सकेगा कि ये राग गाते समय तुमको क्या करना चाहिए। सुन के तो इम्प्रेशन होगा, लेकिन बहुत सारे यंग लोगों को अभी गुरु ऐसे जाके सीखने में नहीं, उनको लगता है हो जाएगा। इंटेलिजेंट बहुत है क्योंकि वो ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है उनका, सब कुछ अच्छा है, लेकिन दो चीज़ों का कम है कि उनको कुछ साल तक तो एक गुरु के पास सीखना चाहिए, और दूसरी बात जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी एक यात्रा हमको सतीश जी ने अभी तक की जो उनकी रही वो बताई है। सतीश जी, पंडित जी आपने कई प्रयोग किए हैं, कुछ एल्बम्स भी निकाले हैं आपने, वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न क्लासिकल के साथ भी आपने ये प्रयोग किया, और बड़ी सादगी के साथ आप उसको किया, तो ये नवाचार की प्रेरणा आपको कैसे मिली और क्या उसके बारे में? एक तो सबसे पहले मैंने एक थीमेटिक एल्बम किया था बड़े कंपनी के लिए, टाइम्स म्यूजिक के लिए, तो उसका नाम था शाश्वत। तो उसमें मैंने कई इंस्ट्रूमेंट्स लेके, क्लासिकल का क्या होता है कि एक आधा घंटा कम से कम एक राग बजा, जैसे पहले तो ईपीस थे 3-3.5 मिनट की रिकॉर्ड, फिर वो कैसेट आ गया, कैसेट होती थी तो 22 मिनट या 25 मिनट एक साइड दूसरी साइड, तो हमेशा कलाकार एक राग उतने में प्रेजेंट करते थे। फिर सीडी आई, तो सीडी में तो एक घंटा एक पूरा राग कर सकते थे, अभी तो सब पूरा बदल ही गया, अभी तो सीडी नहीं है, कैसेट नहीं है, कुछ नहीं, अभी सब ऑनलाइन है, इंटरनेट पे आप जाइए,
यू नो लाइक आई ट्यून्स है या 50 प्लेटफॉर्म से जहाँ पे म्यूज़िक अवेलेबल है। तो वो शाश्वत एल्बम बहुत पहली बार मैंने अटेंड किया और बहुत सक्सेसफुल, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आइटम ऑन टाइम्स म्यूजिक, उन्होंने खुद कहा था मुझे, बहुत उन्होंने प्रमोट भी किया उसको। फिर क्या हुआ, एक 2007 में मैं अमेरिका गया था, बॉस्टन में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था 3 दिन का, तो मेरा प्रोग्राम जिस दिन था, मैं और उसे उस्ताद राशिद का साहब, हम दो ही आर्टिस्ट थे उस शाम को। तो मेरा प्रोग्राम ख़त्म हुए और मेरे साथ पंडित स्वपन चौधरी, बहुत ही बड़े तबला के, उच्च कोटि के तबला वादक, तबला गुरु, और वो सैन फ्रांसिस्को में ही रहते हैं, अमेरिका में ही रहते हैं, तो वो तबले पे थे मेरे साथ। तो क्या हुआ कि प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म हुआ तो मैंने देखा बहुत सारे लोग मिलते हैं उधर ग्रीन रूम स्टेज पे और ये, और तो एक अमेरिकन इंसान थोड़ी देर रुका था, सब जाने के बाद वो आया और बोला, एंड दे आर वेरी पोलाइट, कैन आई टॉक टू यू, आई सेड या। सो ही टर्न्ड आउट टू बी अ जैज म्यूजिशियन, उसका नाम है मार्क रॉसी, बहुत यूरो बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक में प्रोफेसर भी है। तो बोला, मैं पहली बार संतूर देखा है और सुना है और मुझे बड़ा प्रभावित हो गया हूँ ये साज से। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो बोले, नहीं मुझे ना सुनते सुनते, क्योंकि मैं करीब 1.5 घंटा बजाया था, तो बोले सुनते हुए मुझे लगा कि यार ही प्लेस पियानो एंड ऑल दैट, तो बोले कि मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों साथ में मिलेंगे तो कुछ अल्बम होगा। सो वहाँ से प्रेरणा मिली थी क्या? तो मैंने उनको पहले तो इनकार किया, मैंने कहा नहीं भाई, मैं यही एक चीज़ आने में मेरे को मुश्किल है शास्त्रीय संगीत, उसमें अभी कहाँ मैं एक्सपीरियंस। वो बोले नहीं नहीं, मैं कल सुबह मिलने आता हूँ। सो ही केम टू माई होटल टू मीट मी। फिर बोला, देखिए आप ये नहीं है कि आज करना है, आप आते रहते। आई यूज टू गो ऑलवेज फॉर 2 to 3 times इन अ ईयर टू अमेरिका। तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन एक कंडीशन पे कि अपने टाइम के हिसाब से करेंगे और सब पूरा रिकॉर्डिंग रिहर्सल अच्छी करके रिकॉर्डिंग करेंगे, अच्छा लगा तो रखेंगे नहीं तो नहीं, ऐसे सब सोचा। एंड बिलीव मी दैट एल्बम टाइटल इज रेजोनेंस, और उसमें 3 अमेरिकन म्यूजिशियन है और मैं और मेरा तबला प्लेयर, ऐसे 5 म्यूजिशियन है, और करीब 1.5 साल तक वो प्रोजेक्ट चलता रहा, 1.5 years। जब भी मैं जाता था हफ्ता भर के लिए, मैं बॉस्टन चला जाता था, तो हम लोग दिन भर बैठ के कुछ, तो उसमें हमने 50% कॉम्पोजिशन उसने बनाई थी, 50% मैंने बनाई थी, और उसमें सैक्सोफोन था, बेस गिटार था, और वो खुद पियानो और कीबोर्ड दोनों बजाया उसने, पियानो पे ज़्यादा काम किया, और मेरे साथ तबला प्लेयर था। फिर हमने फिर फाइनल जब हो गया, फिर मैंने कहा अच्छा अभी मैं आ रहा हूँ सितंबर में, मैं हर साल अप्रैल मई जून जाता था और सितंबर अक्टूबर, तो मैंने फिर ऐसा कुछ फाइनल जब हो गया वो 2008 की बात है शायद, 2000 क्योंकि 2007 में हम मिले थे अप्रैल में, तो 2008 के सितंबर अक्टूबर में लगा कि नहीं अभी कर सकते हैं। तो फिर मैं 10 दिन का टाइम दिया, होटल में रहा और 7 days तक हम रिकॉर्डिंग करते रहे, और लास्ट 2 दिन एडिटिंग किया और फिर मैं वहाँ से निकला, और वो बस भगवान की दया है कि सोनी म्यूजिक ने रिलीज़ किया और बहुत ही ज़बरदस्त चला हो। सर शाश्वत रेजोनेंस अब इस उम्र में है, और आपने जैसे अभी बताया कि अब डर लगता है, जब यंग थे तब बजाने में बेफिक्री रहती थी, अब कोई नया प्रोजेक्ट या अब कोई एक ऐसी नई चीज़ आप जो करना चाहते हैं? करना चाहते थे मैं, लेकिन वो मेरा जाना ही कैंसिल हो गया अमेरिका लास्ट ईयर। अभी जब ये कोविड का सब सिचुएशन ख़त्म होगा तो एक दो म्यूजिशियन के साथ बात हुई है अमेरिका में, वो लगता है 2022 के पहले तो जाना बहुत मुश्किल है, इस साल भी लगता नहीं है जा सकेंगे 2021 में। करने की इच्छा है, लेकिन अभी जैसे मैंने पहले कहा कि जो आ रहा है उसी को ठीक से पहले बनो,
फिर नया कुछ करा। सर, मध्य प्रदेश की धरती पर आप हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने, शासन ने आपको तानसेन अवार्ड किया है, कितना बड़ा अवार्ड आप इसे मानते हैं और क्या कहेंगे इस अवार्ड को पाने का? वैसे तो कई पुरस्कार आपको मिले हैं, लेकिन खास तौर पर चूंकि आप प्रदेश की धरती में है, तो ऐसा है कि ये एक तो नेशनल एमिनेंस अवार्ड है, तो कोई भी सम्मान जब होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो मुझे आज यही फील है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो अभी ज़्यादा डर लगने लगता है कि अवार्ड तो मिल गया लेकिन वो संगीत कुछ अच्छा रहे इसके तरफ मेहनत करना, कोशिश करना, ये मैं करूँगा। और मध्य प्रदेश सरकार के बारे में क्या कहूँ, भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य सरकार है, मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार ने जो काम किया है शास्त्रीय संगीत के प्रति या लोक कला के प्रति या अलग अलग कलाओं के प्रति कोई स्टेट ने नहीं किया है। मैं महाराष्ट्र का हूँ लेकिन मध्य प्रदेश ने आज कई सालों से इसको कायम रखा हुआ है, तो उसके लिए तो मैं उनको कितनी भी उनकी तारीफ करूँ कम है मध्य प्रदेश सरकार की। भले पार्टियां बदल जाए, सीएम बदल जाए, लेकिन कला का उनका जो एक है वो वैसे ही करते हैं। और ये मुझे बड़ा, मैं इंग्लिश में बोलते हम्बल्ड हो गया हूँ कि भाई इतना बड़ा सम्मान मिला है, और वो भी क्योंकि पहले मेरे पिताजी को भी मिला हुआ है, मेरे गुरुजी का भी मिला हुआ है, तो मैं ये सम्मान मेरा नहीं समझता हूँ। मैं ये खास तौर पे कहना चाहता हूँ सब लोगों को कि ये सम्मान मेरे पिता, माताजी और मेरे गुरु पंडित शिव कुमार शर्मा जी, इनका है, मैं उनके तरफ से ये सम्मान स्वीकार किया है। पंडित जी, इतना बड़ा आपकी जो संगीत यात्रा है कथा सागर की तरह है, और वक्त की भी हमारे पास पाबंदी है, मेरा अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि जो युवा पीढ़ी है जो शास्त्रीय संगीत में आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि यदि उन्हें आना है तो किन अनुशासन को, किस फाउंडेशन को, जैसे आपकी फाउंडेशन थी कि शास्त्रीय संगीत आपने सीखा और फिर किसी को सिलेक्ट किया आपने, और आज जैसे आपने बताया कि गूगल एक बहुत बड़ा गुरु हो गया है, तो ऐसे दौर में जो भी नई पीढ़ी के युवा इस विधा की ओर आना चाहते हैं, तो आपके अनुभव से उन्हें क्या प्रसाद के रूप में टिप देंगे? वैसे मैं बहुत छोटा समझता हूँ अपने आप को, मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, तो मैं क्या एडवाइस दूंगा, लेकिन एक उम्र जो भी है और जो एक 50 साल का जो अनुभव है उसमें मैं इतना ही उनको मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत शार्प माइंडेड है। ऐसे नहीं कि सब वैसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा हरी में है कि मुझे जल्दी स्टेज पे जाना है, लेकिन उनको ये बात समझना चाहिए कि स्टेज पे भले थोड़ा देर से आइए लेकिन जब आएंगे तो आप कायम वहाँ रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाए कि बहुत जल्दबाजी में जल्दी आए और फिर जल्दी निकल भी गए, और ये बहुत बार ये चीज़ें होती है। तो उनको यही कहूँगा कि भाई लगन से रहिए और किसी एक अच्छे गुरु के पास कुछ साल तक तो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि जो बारीकियाँ हैं शास्त्रीय संगीत की, रागों राग रागिनियों की, वो आपको एक गुरु के सामने ही बैठ के ही सीखना चाहिए। इससे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देता हूँ और सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। पंडित सतीश व्यास जी से चर्चा करना मतलब समंदर में गोते लगाने जैसा है, फिर भी उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और कई अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं, खासतौर पर जो युवा पीढ़ी संगीत के क्षेत्र में आना चाह रही है, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, उन्हें किस तरह से अपने आप को ढालना चाहिए, किस तरह से प्रशिक्षण लेना चाहिए और फिर इस विधा में आना चाहिए, उसके बारे में बताया, और मध्य प्रदेश सरकार का भी उन्होंने आभार जताया, और बड़ी ही सरलता से, सौम्यता से उन्होंने जो तानसेन अवार्ड उनको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मिला था वो उन्होंने अपने गुरुजनों को और माता पिता को समर्पित किया है। कैमरा पर्सन लोकेश कश्यप के साथ आशीष जोशी, डीजाना न्यूज़, इंदौर।